जस्ट 5 स्टेप में आप ऐसा सीवी रीडिंग कर सकते हो, वो भी स्नैपशॉट के अंदर। अगर आपको सीखना है कैसे सीवी रीडिंग करते हैं तो आप फुल वीडियो देख सकते हो, और अगर आपको नहीं सीखना है तो आप इस वीडियो को यहाँ से ही लीव मार सकते हो। बट मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ आप इस वीडियो देखने के बाद सीवी रीडिंग में मास्टर हो सकते हो। गाइस चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आपको स्नैपशॉट ओपन करना है, तो आप स्नैपशॉट ओपन करना एंड प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके आप अपना फोटो को ऐड कर लेना यहाँ से। तो पहली स्टेप है आपको गाइस पेंसिल आइकन क्लिक करके हीलिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इस ऑप्शन की मदद से आप फोटोशॉप जैसा एडिट कर सकते हो, बिकॉज फोटोशॉप ने पहले बैकग्राउंड से बॉडी को रिमूव करते हैं। तो वही स्टेप आप फॉलो करना है स्नैपशॉट में। तो पहले तो आपको इसमें ड्रॉ करना है, तो आप ड्रॉ करके फुल बॉडी पे इसको यूज़ करना, यूज़ करके आप रिमूव कर सकते हो एंड आप अप्लाई कर क्लिक करना। तो क्लिक करके आप देख सकते हो बैकग्राउंड से बॉडी रिमूव हो चुका है। अब आप इजीली इस बैकग्राउंड को कलर ग्रेडिंग कर सकते हो बिना कोई प्रॉब्लम करके आपको गैस। तो दूसरा नंबर स्टेप है गैस, आपको सेलेक्ट करना है लेंस ब्लर। लेंस ब्लर सेलेक्ट करके आपको ब्लर स्ट्रेंथ को आपको फुल करके रखना है, ब्लर स्ट्रेंथ को फुल 100 करके रखना एंड इसको ऐसी करके रख देना। अब अप्लाई पे क्लिक कर देना। तो क्लिक करने के बाद थर्ड नंबर स्टेप है गैस, आपको जाना है कार्बोला आइकन पे एंड यहाँ से क्लिक करके आपको इस बैकग्राउंड पे आपको येलो टोन क्रिएट करना है। तो येलो टोन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको ग्रीन कलर को सेलेक्ट करना है एंड ग्रीन कलर सेलेक्ट करके आपको इसको इस ग्रीन कलर को आपको नीचे करके रखना एंड इसके बाद ब्लू कलर जो है ना उसको भी आपको फुल ऐसी करके फुल करना है, इसको फुल डाउन करना। डाउन करके अब अप्लाई पे क्लिक करना। तो क्लिक करने के बाद आपको दोबारा आइकन पे क्लिक करना है यहाँ पे एंड थर्ड नंबर जो स्टेप है डबल एक्सप्लोरर क्लिक करना एंड क्लिक करके अब अपना फोटो को ऐड कर लेना। दोबारा वही फोटो को ऐड करना जो पहले ऐड किया था एंड अब अप्लाई पे क्लिक करना। तो क्लिक करके आपको यहाँ से ब्यूरिस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जाना है, अब आपको डबल एक्सप्लोरर क्लिक करना है एंड ब्रश वाला आइकन क्लिक करके इस बैकग्राउंड को आपको रिमूव करना है। तो आपको इस बॉडी को आपको बैकग्राउंड का सामने लेकर आना है, इसीलिए आपको इसी करके आपको एक्सप्रेशन को 0 करके आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो मैं जल्दी से करता हूँ आपका टाइम सेव करने के लिए। अब आपको अप्लाई पे क्लिक करना है एंड कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, जो एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा आपको इसको नेक्स्ट स्टेप में आप रिमूव कर सकते हो। तो आप बैक पे क्लिक करना, बैक पे क्लिक करके जो लास्ट स्टेप है डबल एक्स्ट्रा पे दोबारा क्लिक करना। आपको क्लिक करके जो बैकग्राउंड का लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है। आप फोटोस पे क्लिक करके अपने गैलरी से आप डायरेक्ट इसको ऐड कर लेना। ऐड करके आपको इसको फुल ओपेसिटी को फुल 100 करना एंड आप अप्लाई पे क्लिक करना। क्लिक करके आपको यहाँ पे दोबारा जाना है, आपको ब्यूरिस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेम स्टेप फॉलो करना है, फॉलो करके सेम स्टेप गए सबको फॉलो करना है। तो आप इसको 100 करके रिमूव कर सकते हो बैकग्राउंड को। तो आप देख सकते हो मेरा एडिट जो बैकग्राउंड रिमूव करना डन हो चुका है। अब अप्लाई पे क्लिक करना। आप क्लिक करके आपको लग रहा है कोई इफेक्ट कम है, आप चाहो तो लाइट रूम एंड स्नैपशॉट भी आप थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग कर सकते हो, तो वो आप खुद से कर सकते हो गैस। रिटच करना इतनी भी हार्ड वर्क नहीं है, आप इजीली कर सकते हो। इसमें आप टून इमेज यूज़ कर सकते हो एंड अच्छा होगी आप अपनी फोटो को शेयर पे क्लिक करके आप डायरेक्ट लाइट रूम पे रिटच करना गैस। रिटच करने लाइट रूम में अच्छा होगी एंड लाइट रूम में बहुत ज़्यादा ऑप्शन है कलर ग्रेडिंग एंड रिटच करने के लिए। आप चाहो तो अपनी हिसाब से आप एडजस्टमेंट कर सकते हो एंड आप चाहो तो प्रीसेट भी यूज़ कर सकते हो। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी, बिकॉज मैं इस वीडियो में जस्ट 5 स्टेप पे आपको ऐसा रेडिंग करके देखा है। आप चाहो तो और भी स्टेप यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से, कोई बात नहीं, ज़रूरत नहीं है आप जस्ट 5 स्टेप यूज़ करो। सो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा है एंड अच्छा लगता है तो लाइक एंड कमेंट तो मानता है ना एंड बहुत सारा प्रीसेट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में गाइस, आप फ्रीली डाउन कर सकते हो मेरी वेबसाइट से विजिट करके। तो गाइस मिलते हैं अगली कोई वीडियो में।